हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स AEC का जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी ख करने जा रहे हैं। पार्ट एक और दो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट तीन करने जा रहे हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए लेखन। सो आइए बिना किसी देरी के अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर हमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बताया गया है। उन्होंने बोला गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही सोसाइटी की स्ट्रेंथ है। दोनों मीडिया का काम है लोगों को अवेयर करना, सूचना, शिक्षा और ज्ञान इन दोनों मीडियम के थ्रू लोगों तक पहुँचाया जाता है। इसके प्रेजेंटेशन के लिए हमारे अंदर लेखन की शक्ति यानी कि राइटिंग स्किल्स होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमें ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए और इसके साथ साथ हमारा क्रिएटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। अब है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग। रचनात्मक लेखन किसी भी दूसरे लेखन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसमें रचनाकार किसी भी टॉपिक को फील करता है और उसे क्रिएटिवनेस के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। इसमें कोई भी फिक्स रूल्स नहीं होते कि हमें सिर्फ एक सर्टेन तरीके से ही लिखना है। न्यू थॉट्स को प्रेजेंट करने के लिए कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन पावर, अभिव्यक्त की क्षमता यानी अपने थॉट्स को सही ढंग से प्रेजेंट करने का टैलेंट और पठन की योग्यता यानी पढ़ने की स्किल काफ़ी ज़रूरी है। अब है साक्षात्कार लेखन। इसका मतलब है इंटरव्यू राइटिंग। प्रिंट मीडिया यानी प्रिंटेड मीडियम जिसके थ्रू लोगों तक लिखित यानी रिटर्न फॉर्म में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। एग्जाम्पल समाचार पत्र, पत्र लेखन, औपचारिक लेखन। इसका काम समाज को जागरूक करने का होता है। इसमें सरल भाषा यूज़ होनी चाहिए और कॉमन लैंग्वेज जिससे ज़्यादा लोग इसे समझ पाए और जानकारी ले पाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आने से इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक सी गई है, क्योंकि लोगों को अब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो फ़ोन से तुरंत देख लेते हैं। इसीलिए प्रिंटेड मीडियम को और ज़्यादा रोचक और अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है। अब संवाद। संवाद का मतलब होता है डायलॉग। तो इसके थ्रू लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और दो लोग एक दूसरे की बातें समझ पाते हैं। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। कन्वर्सेशन के ज़रिए या डायलॉग के ज़रिए ये दोनों अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर पाते हैं और ऑडियंस उन्हें सुनकर उनके कैरेक्टर का पता लगा पाते हैं कि ये कैसे हैं, स्वभाव कैसा है इनका। आज के टाइम पर कई तरह के संवाद पैटर्न अवेलेबल हैं जो समाचार पत्र से लेकर इंटरनेट तक कहीं भी मिल सकता है। इंटरव्यू शब्दों के थ्रू भी हो सकता है जिससे हम न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं, और दृश्य के थ्रू भी हो सकता है जिसमें हम उनकी बातों के साथ साथ उनका फेस भी देख सकते हैं। संवाद के थ्रू हम इंटरव्यूई मतलब जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उनके विचारों और उनके कैरेक्टर यानी चरित्र को भी समझ सकते हैं। अब है पात्र का बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व। तो इसका मतलब है कि इंटरव्यू के थ्रू हम न केवल सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस ही जान सकते किसी भी व्यक्ति का कि वो कैसा दिखता है, कैसा उसकी चाल ढाल है, उसका मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, बल्कि उसके इनर अपीयरेंस को भी जान सकते हैं। उसकी बातों से, उसके विचारों से हम उसके इनर अपीयरेंस को भी जान सकते हैं। तो इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया जिससे अगर आप फिर बाद में नोट्स रिवाइज करें तो समझ आ जाए। और अगर हम किसी सक्सेसफुल इंसान का इंटरव्यू देखते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन एक सिंपल पर्सनैलिटी के साथ अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को समझा पाते हैं तो उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस भी पाठक को बहुत प्रभावित करता है। इंटरव्यूअर को ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे ऑडियंस का भी फ़ायदा हो। एग्जांपल के लिए नवभारत में एक इंटरव्यू छपा था जिसमें
पंकज त्रिपाठी ने रतन टाटा से पूछा था कि उनकी सफलता का क्या राज है, उनकी आदतें कैसी हैं। तो इससे लोगों को भी एक मोटिवेशन मिला था कि हाँ, अगर वो भी ऐसे ऐसे करेंगे तो वो भी एक दिन सक्सेसफुल बन पाएंगे। अब नेक्स्ट है दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव। तो इंटरव्यू के अंदर प्रश्नकर्ता यानी जो प्रश्न पूछता है उसका, और उत्तरदाता यानी जो उत्तर देता है, आंसर देता है, उसका, दोनों का ही पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है। और इंटरव्यू से एक व्यक्ति के जीवन, समाज, करियर, व्यवहार और दर्शन के प्रति उसका क्या पर्सपेक्टिव है, हम वो जान सकते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण होता है, यानी सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का। और ये उनके इंटरव्यू में दिखता है कि उनके व्यूज़ क्या हैं किसी चीज़ को लेके। तो उनका इंटरव्यू पढ़ के या देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति असल में कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके व्यूज़ क्या है, वो सब हम जान सकते हैं। इंटरव्यू लेखन के अंदर दो व्यक्तियों के बीच की बात लिखी जाती है प्रश्न उत्तर शैली में, यानी कि इसमें पहले प्रश्न लिखा जाता है, जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसके बाद उत्तर लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मेट ही ऐसा होता है, पहले प्रश्न फिर उत्तर, प्रश्न फिर उत्तर, ये इसका फॉर्मेट होता है। और जो इंटरव्यूअर होता है उसके लिए ये आवश्यक होता है, इम्पॉर्टेंट होता है कि वो पहले से ही एक लिस्ट तैयार करके लेके जाए कि उसे क्या क्या सवाल पूछने हैं इंटरव्यू के अंदर, जिससे कि वो कोई भी इम्पॉर्टेंट सवाल वो भूल ना जाए। और इंटरव्यू भी दो तरह के होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल इंटरव्यू, और दूसरा होता है समूह साक्षात्कार यानी कि ग्रुप इंटरव्यू। इंडिविजुअल इंटरव्यू में सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित बातें होती हैं, जबकि समूह इंटरव्यू के अंदर एक विशेष विषय पर काफ़ी सारे जो विशेषज्ञ हैं वो चर्चा करते हैं। अब है यात्रा अनुभव लेखन के अंदर अगर हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो जगह कैसी है, और वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। और इसमें काफ़ी सरलता के साथ, काफ़ी सिंप्लिसिटी, मॉडेस्टी के साथ इसमें हमें लिखना होता है। व्यवसायिक यात्रा लेखन, इसका मेन एम होता है कि अलग अलग जगहों की जानकारी देना, और इससे लोगों को पता लग जाता है कि वो जगह कैसी है दिखने में, और वो अपनी योजना बना सकते हैं। इससे जगह का परिचय मिल जाता है, एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है। और इसमें तस्वीरों का भी उपयोग होता है, जिससे कि लोग पहले से ही देख सकते हैं कि वो जगह कैसी है दिखने में, जिससे कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो भी प्लान बना लेते हैं वहाँ जाने का। अलग अलग वेबसाइटों पर आजकल इसकी अलग अलग जगह की काफ़ी सारी जानकारी होती है, तो इससे लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। वहीं साहित्यिक यात्रा लेखन के अंदर क्या होता है कि हम सिर्फ जगह के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि एक जगह पे हम जाते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस जो हमें मिलता है, हम उस एक्सपीरियंस को इसमें लिखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का समाज कैसा है, वो सब हम इसमें डालते हैं। अब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सब आते हैं। रेडियो पे हम शब्द ही सुन सकते हैं और उन शब्दों को सुनकर हम अपने दिमाग में चित्र बनाते हैं उसका, जबकि टीवी और इंटरनेट में हम डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं। स्क्रिप्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमें प्रेजेंटेशन देने में काफ़ी हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संवाद, गीत और विज्ञापन लेखन के बारे में बताया गया, मतलब इसके अंदर तीन होते हैं, तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहला है संवाद लेखन। संवाद लेखन यानी मैंने आपको बताया था डायलॉग राइटिंग। तो संवाद काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रेडियो, टीवी, सिनेमा या समाचार, सभी में संवाद काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
खबरों में विशेष रूप से 24 घंटे जो खबरें चलती है उसमें संवाद एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। संवाद लेखन लिखते टाइम हमें दो बातें ध्यान रखनी होती है कि ये समाज, स्थान और वर्ग के हिसाब से लिखा होना चाहिए, और दूसरा कि इसमें कोई भी दोहराव नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही बात बार बार इसमें नहीं होनी चाहिए। रेडियो भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है, इसमें हम लोगों के बात करने के तरीके से उसको पहचानते हैं लोगों को। आज भी लोग अपने पसंदीदा रेडियो एंकर की प्रस्तुति के लिए विज्ञापनों के बीच इंतज़ार करते हैं, और रेडियो में संवाद इसकी जान होती है, मतलब संवाद के बिना रेडियो अधूरा है। टीवी और फिल्मों में भी संवाद लेखन होता है, लेकिन उसमें शब्द कम होते हैं और एक्टिंग ज़्यादा होती है, जबकि रेडियो में सिर्फ शब्द शब्द और शब्द ही यूज़ होते हैं। रेडियो में संवाद के साथ संगीत ध्वनि भी होती है, पर कहानी का मूल आधार संवाद ही होता है, मतलब वही कि रेडियो में संवाद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वहीं टीवी और फिल्मों में संवाद कम किया जाता है, डायलॉग से ज़्यादा हम एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और फिल्मों के अंदर जो डायलॉग होते हैं वो स्पेशली जो अभिनेता होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ डायलॉग्स आप दे सकते हैं एग्जांपल में, जैसे कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह, अमिताभ बच्चन का डायलॉग, और दूसरा ही अमिताभ बच्चन का ही डायलॉग है, मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, बैंक बैलेंस है, और तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। ये भी दीवार फिल्म का डायलॉग है अमिताभ बच्चन का। तो ऐसे ही कोई भी डायलॉग जो आपके दिमाग में आए वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, 5-6 डायलॉग लिख देना जिससे कि आंसर बड़ा हो जाए। और डायलॉग लिखते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो फिल्म से रिलेट करे डायलॉग। अब है गीत लेखन। गाने हमारी संस्कृति और लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शादी विवाह से लेके हर एक मौके पर गाने बजाए जाते हैं, और इन्हीं गानों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। गीतों की पंक्तियों में सहजता, गहराई होनी चाहिए। मुखड़ा और अंतरा एक गाने के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, मतलब एक गाने में दो हिस्से होते हैं, एक होता है मुखड़ा और एक होता है अंतरा। मुखड़ा शुरुआत का हिस्सा होता है और अंतरा गाने की जो मेन कहानी होती है उसको और आगे बढ़ाता है। मुखड़ा जो होता है वो दोहराई जाने वाली लाइन्स होती हैं, जो एक गाने में बार बार रिपीट की जाती है लाइन्स, वो होता है मुखड़ा, और बाकी के जो पार्ट होता है उसको हम अंतरा कहते हैं। और किसी भी गीत को किस तरीके से व्यक्त किया जा रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गीत को सही तरीके से गीत को ऐसे तरीके से व्यक्त करना चाहिए जिससे कि जो भावनाएं हैं वो अच्छी तरीके से बाहर आ सके। जैसे कि जावेद अख्तर के गीतों में देखा जाता है, उन्होंने एक गीत लिखा था, ये कहाँ आ गए हम, फिल्म थी सिलसिला, इसमें अमिताभ बच्चन और रेखा के भावों को उन्होंने, ये जो सॉन्ग है वो अमिताभ बच्चन और रेखा की भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है फिल्म में। और जो गीत होते हैं वो अलग अलग तरह के गीत होते हैं, जैसे कि भाव गीत, भक्ति गीत, भजन गीत, देशभक्ति गीत और प्रेम गीत। और गीतकार को तय, ताल, लय, संगीत और अच्छी जानकारी होनी चाहिए इन सब के बारे में। अब है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। विज्ञापन से हम किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी आसानी से ले सकते हैं, और इससे बिजनेस भी काफ़ी जल्दी फ्लरिश हो पाता है। रेडियो विज्ञापन में जिंगल यानी कि राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि वो लोगों के दिमाग में बैठ जाए। रेडियो विज्ञापन की भाषा सरल और आकर्षक होनी चाहिए जिससे श्रोताएं यानी कि जो ऑडियंस है वो इसे खरीदना चाहे। टीवी विज्ञापन के बीच में किसी भी ब्रांड को लेके
आकर्षण बढ़ाया जा सकता है विज्ञापन के थ्रू। अलग अलग टीवी चैनल अपने कार्यक्रमों के बीच में विज्ञापन डालते हैं और जो विज्ञापन बनाने वाले होते हैं वो अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अपना विज्ञापन तैयार करते हैं, जिससे वो ज़्यादातर लोगों को अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच सके और उनका बिजनेस जल्दी से आगे बढ़े। विज्ञापन लिखते समय सहजता, सरलता, आकर्षण, जिंगल, दर्शक पर प्रभाव, बेहतरीन छवियां, एनिमेशन और कम समय में अधिक कहने की क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। और विज्ञापन की प्रेरणा के लिए बेहतर विज्ञापनों को देखना ज़रूरी है, यानी कि हम अलग अलग विज्ञापन को देख के उससे रेफरेंस लेके हम एक अपना नया विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, जिसमें एक हमारा खुद का टच हो, एक नयापन हो। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।